आपको पता नहीं चलता कि वीडियो के लास्ट लास्ट पे क्या था या स्टार्ट में क्या था, सेंटर से क्या था। इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो को लास्ट तक फुल देखा करें, इससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ लग जाएगी कि हमने किस तरह को वीडियो को बनाया और इसमें कौन कौन सी चीजें हमने इस्तेमाल की हैं। तो आज हम बहुत ही जबरदस्त सी ड्रिंक लेके आई आप लोगों के लिए, आपने इसका इस्तेमाल लास्ट में करना, इससे आपकी जो चेहरे पे बहुत ही अच्छा सा निखार पैदा होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगी कि इसके क्या फायदे हैं, कब आपने इस्तेमाल करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पे बादाम जाएंगे, बादाम हमारे पास 15 से 20 गिरियां बादाम के साथ, यहाँ पे 1 टेबल स्पून जाएंगे चारों मगज, ये डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे जाएगी बहुत ही जबरदस्त किशमिश, किशमिश के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं हमारे नज़र आई साइड के लिए, बहुत ही ज्यादा बेस्ट होगा। जो जो चीजें इसमें ऐड कर रही हूँ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, आपने इसका इस्तेमाल लास्ट में करना है। यहाँ से जाएगा पिस्ता, पिस्ता हमारे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून है, साथ इसमें जाएगा काजू, तो काजू हमारे पास 2 टेबल स्पून काजू हमने ले लिया था। अब हम लास्ट पे इसमें डाल देंगे हनी, हनी के तो बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, यहाँ पे हनी जा रहा है, हनी यहाँ पे तकरीबन हम 1 टेबल स्पून के 2 टेबल स्पून डालेंगे, ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे हनी हमने डाल दी है, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। यहाँ पे हमारे पास फ्रेश वाला दूध है, अगर आप लोगों के पास फ्रेश वाला दूध ना हो तो आप पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे काट देंगे इसे कवर। फाइनली यहाँ पे हमारा मिल्क शेक हो गया है तैयार, अब हम इसे सर्व करेंगे एक प्यारे से मग में। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट है, यहाँ पे काजू और बादाम और पिस्ता हमने अलग से काट के रख दिए थे, ताकि इसे जब हम इसे सर्व करें तो इसके ऊपर थोड़े से गार्निश करते हैं। गार्निश करने से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, इस तरह हमारा जो मग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी लुक आएगी। तो दूसरी तरफ साथ ही यहाँ पे हम किशमिश डाल देंगे, किशमिश भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है जब हम इसकी गार्निश करते हैं। साथ ही हम इस पे डाल देंगे हनी, तो हनी अगर कुछ लोगों को नहीं पसंद होता तो वो ना भी डालें तो कोई मसला नहीं, लेकिन हनी से बहुत ही ज़बरदस्त एक टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ पे हम डाल देंगे चॉकलेट, तो अब हम इसे करेंगे स्ट्रॉ के साथ सर्व करने लगे। तो आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल लाइव विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूला करें, क्योंकि इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाता है। नोटिफिकेशन पहुँचेगा फिर आप अच्छी अच्छी वीडियो देख पाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।